हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीजेंड डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो किसी टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आज डेट है 2 फेब। आज UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की CDS की परीक्षा हुई है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इसके GS का जो सेगमेंट होता है उसमें साइंस के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस के क्वेश्चंस जो CDS एग्जाम में आज आए हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि मेरे जो पढ़ाने के सब्जेक्ट हैं वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री हैं। तो जिन बच्चों ने भी मुझसे बायोलॉजी और केमिस्ट्री पूरा पढ़ा है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताइएगा कि आपको नोट्स से, यानी मेरे नोट्स से आपको कितने क्वेश्चंस आज के पेपर में मिले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि पहला क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि किस टाइप के रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। तो उसके लिए मैंने ट्रिक आपको पढ़ाया था, कॉमा में एक्सरे किया यूवी का, ऐसे याद कर लीजिए, यूवी का वॉलेट रंग से, मगर इनके मामा रावण थे, ऐसे कुछ याद कर लें। को मतलब कॉस्मिक, मा गामा, एक्स एक्सकिरणें, यूवी अल्ट्रावायलेट, वॉलेट यानी के वॉलेट कलर से रेड, इसे कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, इसे कहा जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी कि जो रेज हमको दिखाई देती हैं, ठीक। उसके बाद माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड और रेडियो। तो सर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, वेवलेंथ का। तो अगर आपसे कोई पूछेगा, जो NDA में आया था इस बार क्वेश्चन ये कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, तो याद रखेंगे हम लोग क्या, कॉस्मिक रेज, और लार्जेस्ट वेवलेंथ क्या याद रखेंगे, रेडियो वेव्स। तो पहला ऑप्शन देखें, रेडियो वेव्स, तो ये तो नहीं होगा सर, क्योंकि रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है वो तो सबसे ज़्यादा होती है, हमें ढूंढना है सबसे कम वाला। अब अगर आप सी आंसर देखें तो ये तो सेकंड लार्जेस्ट है, ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग अब बी ऑप्शन देखें, विजिबल स्पेक्ट्रम, तो विजिबल कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर वॉयलेट से, ठीक, इससे ऊपर कौन है, अल्ट्रा वॉयलेट, ठीक है। तो याद रखिएगा, अल्ट्रा वॉयलेट की जो वेवलेंथ है इन चारों ऑप्शंस में सबसे कम है, ठीक, क्योंकि हम लोग जितना इधर को चल रहे हैं उतना इंक्रीज, यानी सबसे कम कॉस्मिक, उससे ज़्यादा गामा, उससे ज़्यादा एक्स, उससे ज़्यादा यूवी, उससे ज़्यादा विजिबल स्पेक्ट्रम, उससे ज़्यादा माइक्रो, उससे ज़्यादा IR, इंफ्रारेड, और लास्ट में सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स। सर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ये मैंने आपको पढ़ाया है, जो भी बच्चे मुझसे केमिस्ट्री पढ़े हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, देखिए, द यूनिट ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के ऑफ स्प्रिंग इज, वैसे ये मेरा विषय नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इक्वल टू होता है F/D। F फोर्स होता है, आप सब जानते होंगे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, D डिस्प्लेसमेंट है, इसका यूनिट मीटर हो जाएगा, तो हमारा आंसर न्यूटन पर मीटर, आंसर इसका हो जाएगा B वाला। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कौन सी डिजीज इपिडेमिक है। सर, ये क्वेश्चन बार बार मैंने सब जगह पढ़ाया आपको, अगर इसका हिंदी वर्जन आप देखते तो बड़े आसानी से आप ये क्वेश्चन लगा लेंगे, क्योंकि इपिडेमिक का मतलब होता है इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस डिजीज, जो संक्रमण के द्वारा बीमारी फैलती है, यानी ठीक है। तो हैजा एक संक्रामक रोग है, मलेरिया मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक, स्मॉल पॉक्स ये भी इन्फेक्शियस डिजीज है, एलिफेंटियासिस जिसे आप कहते हैं फाइलेरिया, ये एक हेलमिंथीस होता है जिसका नाम होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक हेलमिंथीस से होता है, और ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, दैट मींस इपिडेमिक नहीं है।
तो इसका आंसर हो जाएगा सर डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ये मैंने अपने यहाँ पे कल ही शायद ये क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ 3 चैम्बर हार्ट। तो देखिएगा सर ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए। फर बम 233-44। अगर ये पेपर आपको हिंदी में दिया जाता तो आप लोग ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, ठीक है, क्योंकि इसमें हिंदी वर्जन मैंने आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इंग्लिश वर्जन में ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर बम 233-44। सर एफ का मतलब यहाँ पे है फिश, ए का मतलब है यहाँ पर एम्फीबिया, ठीक है, आर का मतलब है यहाँ पर रेप्टाइल, और बी का मतलब है सर यहाँ पर बर्ड्स, और एम का मतलब है सर यहाँ पर मैमल्स यानी कि स्तनधारी। फिश 2 चैम्बर हार्ट, एम्फीबिया मतलब मेंढक, ठीक, और मेंढक और सेलोमेंडर मतलब जिसे आप गिरगिट की तरह होता है, गिरगिट कहते हैं, ठीक। रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक यानी कि सांप, जितने भी रेंगने वाले होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। बर्ड्स यानी कि चिड़िए, मैमल यानी कि स्तनधारी। फिश में 2 चैम्बर हार्ट है। पहला वाला ऑप्शन है इस्कोलियोडॉन। तो सर ये शार्क मछली का नाम है, इसे ये शार्क है, तो शार्क क्या है, फिश है, तो फिश में आप जान गए 2 चैम्बर हार्ट होगा, आंसर पहला तो नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, पिजन मतलब कबूतर बर्ड्स है, 4 चैम्बर हार्ट होगा बर्ड्स में, ठीक। डी वाला ह्यूमन बींग, मैमल में भी 4 चैम्बर हार्ट है। अगर आप बी की बात करें सलमेंडर की, तो ये किस में आएगा, एम्फीबिया, और आप जानते हैं कि एमेंडक और सलमेंडर में 3 चैम्बर हार्ट होता है, तो सर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं सर। सर ये कह रहा है कि बताइए जो प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका सीक्वेंस क्या होता है। तो सर देखिए, सबसे पहले पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र, ठीक है, पॉलिनेशन होता है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जायगोट का डिवीज़न होता है, फिर ठीक है लास्ट में सीड बनता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा सर आपका सी। ये क्वेश्चन मेरे नोट्स का नहीं है, नया क्वेश्चन है। When air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turn milky. सर कह रहा है कि लाइम वाटर का जो कलर होता है वो मिल्की क्यों हो जाता है, ठीक है सर, वो उसका रीज़न होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दूं तो बन गया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो सर इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसका कलर वाइट मिल्की होता है। आंसर हो जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है बड़ा आसान क्वेश्चन है कि जो एनर्जी की करेंसी होती है उसे सब लोग जानते हैं आप, एटीपी एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एटीपी का फॉर्मेशन सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो यह आंसर इसका हो जाएगा क्या, एटीपी। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, Which of the following is the first enzyme to mix with? ये सर बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैंने बहुत बार पढ़ाया सभी को। सर जो हमारा सलाइवा होता है, लार होती है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज। उसको कहते हैं क्या, सलाइवरी एमाइलेज। सर ये सलाइवरी एमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे कहते हैं स्टार्च। तो याद रखिएगा, स्टार्च के डाइजेशन में सलाइवरी एमाइलेज पार्टिसिपेशन करता है, इसीलिए जो भोजन होता है उसको वो बक्कल कैविटी से ही उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा, एमाइलेज डी आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट पे सर देखिए, केमिस्ट्री की क्लास में मैंने पढ़ाया था ये आपको, बोरिक एसिड S3BO3
बोरिक एसिड, दूसरा है सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा है सर क्या, एस्टिक एसिड। तो इसको मैच करना है बस। सर देखिए, जो बोरिक एसिड होता है वो एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है? एंटीसेप्टिक। जो सिट्रिक एसिड होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव होता है, यानी के खाने को सड़ने से बचाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से ये जाना जाता है, क्योंकि ये एक वीक बेस होता है। क्या होता है? वीक बेस। ठीक है, तो जब एसिडिटी किसी बढ़ जाती है तो इस बेस को पीकर उस एसिडिटी को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, इसीलिए ये एसिड के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो हो गया एंटासिड। तीसरा एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का मतलब हो गया क्या, ये विनेगर यानी सिरके में होता है और सिरका अचार में होता है। ठीक है, तो ए का एंटीसेप्टिक बिल्कुल सही है, सिट्रिक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट मींस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एसिडिटी को कम करता है, बिल्कुल सही है। डी वाला एसिटिक एसिड अचार में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही सीक्वेंस से ही लगे हुए हैं ये, इसका आंसर देख लीजिए आप, ए का ए, ए का एक, बी का दो, सी का तीन, डी का चार, तो पहला आंसर सर आपका हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन और आया है। प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड, ये सर सब लोग जानते होंगे कि फ्रिक्वेंसी पर साउंड की पिच डिपेंड करती है, और मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि जो हाई पिच वॉइस होती है वो महिलाओं की होती है, और लो पिच जो वॉइस होती है वो किसकी होती है, मेल की होती है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए सर, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, कह रहा है कि एक्स रेज के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी ठीक नहीं है। सर एक्स रेज पे कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी कि ये न्यूट्रल होती हैं। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके खोजकर्ता कौन थे, तो उनका नाम था सर रॉटजन। तो याद रखिए, जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये किसी भी फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी, तो ये पहला ही इसका आंसर गलत हो जाएगा, उसने गलत ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन। ठीक, फिजिक्स का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा सर डी। नेक्स्ट, स्किप कर दीजिए इसको, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन से बोला है। चलिए आगे बढ़िए, चलिए सर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, केमिस्ट्री क्वेश्चन है। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ थिन गोल्ड फॉइल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। सर एक साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड, उन्होंने एक एटम लिया, एटम पर सोने की पतली सी झिल्ली से अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की, यानी अल्फा पार्टिकल को इससे पास कराया, तो रिजल्ट यह आया कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो वापस लौट आए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो आर पार हो गए। तो इससे कई सारी बातें पता चल रही हैं हमको। जो डिफ्लेक्ट हुआ तो इससे ये पता चला कि एटम का कोई भाग ऐसा है जो रिजिड है, मतलब सॉलिड है, और उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस पे ये बम टकराया होगा। ठीक, दूसरा डिफ्लेक्ट हुआ, अल्फा पे पॉजिटिव साइन होता है, तो इससे ये बात पता चली कि कोई पॉजिटिव पार्टिकल भी एटम के अंदर होता है, और वो पॉजिटिव पार्टिकल क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से पॉजिटिव पार्टिकल के बारे में पता चला, और ये पॉजिटिव पार्टिकल का नाम क्या होता है, प्रोटॉन, और जो कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस की खोज का जो क्रेडिट है वो गया सर रदरफोर्ड को।
तो आंसर इसका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एटम। सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर, कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, नॉट फीसिबल। देखिए सर, देखिए सर, मैंने आपको एक सीरीज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसको आपको पढ़ाया होगा, ऐसे याद करने के लिए ट्रिक बताया था, ले के बारात सर पे का ना खड़ा, मगर अल्लाह मुझे जिंदगी में कार फिर देगा। कोहली को निकालो सालो पंजाब से, पंजाब से यानी लेड। सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दो टाइप के एलिमेंट्स हैं यानी मेटल्स हैं, कुछ हाइड्रोजन के ऊपर रखे हुए हैं और कुछ हाइड्रोजन के नीचे रखे हुए हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे वालों में आ जाता है आपका क्या, कॉपर आता है, सिल्वर आता है। तो सर एक बात इतना जान लीजिए, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं, और जितना हम ऊपर से नीचे चलेंगे उतना इसकी जो रिएक्टिविटी है, क्या है सर, रिएक्टिविटी है, वो डाउन द ग्रुप सर डिक्रीज हो रही है यानी कम हो रही है। मतलब क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन के ऊपर रखे हुए एलिमेंट्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे किससे, हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स से। अब जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद सेट हो जाता है। जैसा कि आप पहले ऑप्शन में देखिए, कह रहा कि आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। आयरन ने कॉपर को हटा सकता है, आयरन, सर आयरन कहाँ है, आयरन है हाइड्रोजन के नीचे, हाइड्रोजन के नीचे, सॉरी मिस्टेक हो गया, कॉपर कहाँ है, हाइड्रोजन के नीचे। अगर हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है और हाइड्रोजन के ऊपर कौन है, आयरन, तो मैंने अभी आपको बताया कि जितना नीचे चलोगे उतनी रिएक्टिविटी कम होगी, तो ऊपर वाला क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको रिप्लेस कर देगा। पहला ऑप्शन तो सही है, बी वाला जिंक, क्या जिंक कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, सर जिंक भी हाइड्रोजन के ऊपर है, ये भी कर देगा, ये भी सही है, दो सही हो गए। तीसरा देखिए, कॉपर प्लस लेड, सर लेड भी कहाँ है, पीबी, ये लेड बोला जाता है पीबी को, हाइड्रोजन के ऊपर है तो ये भी ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से। वो कह रहा है क्या कॉपर लेड को रिप्लेस कर सकता है, नहीं साहब, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है और लेड ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये ऑप्शन ही गलत है। आंसर इसका होगा सर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसे याद कर लीजिएगा, ले के बारा सर पे काना खड़ा, मगर अल्लाह मुझे ज़िंदगी में कार फिर देगा, ऐसे मैंने एक ट्रिक बनाया था, इससे आपका ये क्वेश्चन सर निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं सर, ये कह रहा है कि अ सॉल्यूशन हैविंग पीएच इक्वल टू जीरो इज नॉन एज। सर ये मैंने आपको एसिड बेस की एक क्लास पढ़ाई थी, उसमें बहुत अच्छे से समझाया था कि एक होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इसे म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी आप जानते हो। तो सर याद रखिएगा, इसका पीएच वैल्यू 0 से लेकर 3 के दरमियान होता है, और ये वो एसिड है जो हमारे स्टमक यानी पेट में पाया जाता है। तो जितना पीएच 7 से कम होगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। तो क्या बोला जाएगा, हाईली एल्केलाइन, एल्केलाइन मतलब होता है बेस, बी हाईली एसिडिक सॉल्यूशन। तो हाईली एसिडिक सॉल्यूशन ही सही है, क्योंकि पीएच 7 से काफी कम है। नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि स्टमक में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, कह रहा है कि इनमें से जो यूरिन फॉर्मेशन का ऑर्डर है, सर जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं हमारे यहाँ पे या कहीं भी, तो मैंने बिल्कुल एज इट इज़ ये क्वेश्चन आपको लिखवाया है, तो आप जान लीजिए कि पहले क्या आया, किडनी, किडनी के बाद क्या आया, यूरेटर, यूरेटर के बाद क्या आया, गाल ब्लैडर, इसके बाद क्या आया, यूरेथ्रा। ठीक है,
किडनी क्या है, हमारे बॉडी का क्या फिल्ट्रेशन करता है ब्लड को। अरे पहले ब्लड आएगा किसमें, किडनी में, तो किडनी छानेगी ब्लड को, फिर उससे यूरिन बनेगा, यूरिन को कंडक्ट कराता है, एक पाइप होता है ऐसा जिसे कहते हैं यूरेटर, और वह फिर कहाँ डाल देता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप लोग कहते हैं क्या, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर में जब इकट्ठा हो जाता है तो जब यहाँ का प्रेशर बढ़ता है तो एक पाइप होता है जिसे कहते हैं यूरेथ्रा, इसके थ्रू ये यूरिन एलिमिनेट हो जाता है। तो सबसे पहले किडनी में ब्लड आया, ब्लड को किडनी ने छाना, उसके बाद यूरिन बना, तो यूरिन को कंडक्ट कौन पाइप कराएगा, इसका नाम क्या है, यूरेटर। यूरेटर कहाँ डाल के चला जाएगा, गाल ब्लैडर में। जब प्रेशर बढ़ेगा गाल ब्लैडर के अंदर तो ये पास आउट हो जाएगा, किससे, यूरेथ्रा से। ये तो बड़ा एज इट इज मैंने आपको लिखवाया है, तो इसमें आंसर क्या होगा, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इसका ए आंसर पहला ही आंसर हो जाएगा सर। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी ग्लैंड पेयर में नहीं है। ठीक है सर, आप जानते हो कि एड्रीनल ग्लैंड का मतलब क्या हो गया, रीनल शब्द का मतलब किडनी, एड का मतलब अबव, तो सर किडनी के ऊपर ग्लैंड पाई जाती है, एड्रीनल कहलाती है। आप जानते हैं किडनी कितनी होती है, एक जोड़ी, इसलिए एड्रीनल ग्लैंड भी कितनी हो जाएगी, एक जोड़ी। तीसरा टेस्टिस, इसके ऊपर तो मैं वीडियो भी बना चुका हूँ कि टेस्टिस एक जोड़ी होते हैं, एक पेयर होते हैं। ओवरी, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है कि ओवरी भी एक पेयर होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड सर सिंगल होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सिंगल होती है, और ये कहाँ पर लोकेट होती है, आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट वन, हाँ सर ये अभी ही क्वेश्चन हमने अपने यहाँ पे परसों बढ़ाया था शायद, कह रहा है किसमें डीएनए होता है। सर हमारी जो कोशिका है या प्लांट की जो सेल होती है, तो तीन सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनमें सर डीएनए पाया जाता है। एक तो न्यूक्लियस होता है, दूसरा सर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा सर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये तीन सेल ऑर्गेनेल ऐसे हैं जिनमें क्या पाया जाता है, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट सर ये भी क्वेश्चन कई बार मैंने बताया शायद, सर एक साइंटिस्ट थे एडवर्ड जेनर, तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बनाया था, स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाया था, और ये सर पहला वैक्सीन था, इससे पहले किसी ने वैक्सीन नहीं बनाया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन या इम्यूनिटी भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, हाँ ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, सर एक होता है ब्लू विट्रोल, मैंने अपने यहाँ जो एनडीए के बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाया था ये ब्लू विट्रोल, इसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट, और इसमें होते हैं कितने पानी के मॉलिक्यूल, 5, तो आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट बस यही क्वेश्चंस थे, अच्छा अभी एक और है, अब इसको मैचिंग करनी है सर, ये भी क्वेश्चन देखिए अच्छा है, देखिए ब्लीचिंग पाउडर इसका फार्मूला CaOCl2, ठीक। दूसरा ऑप्शन बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, इसका फार्मूला NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा वाशिंग सोडा यानी के धोने वाला सोडा, इसे धावन सोडा भी कहते हैं, फार्मूला ये हो जाएगा सर क्या, Na2CO3.10H2O। स्लैग्ड लाइम बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइज, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट तो सर ये क्वेश्चन थे जो आपके आज CDS के एग्जाम में आए हैं, तो अब जो भी बच्चे हैं मुझसे पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन इस नोट से मिले हैं, और
अब जैसे कोई और भी एग्ज़ाम होगा तो आपको ऐसे ही डिस्कशन कराया जाएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।